रानी मुझे माफ कर दो। आपको कुछ सजा मिलनी चाहिए। ये क्या कर रही हो? आई प्लीज आई हटाओ अपना हाथ। आई प्लीज आई मत कर आई प्लीज। कल्याणी मुझे ऐसे रस्म में शामिल ही नहीं होना है जहां मेरी पहचान उस आदमी से हो जो कभी मेरा था ही नहीं। मैं मेरे अकेलेपन में बहुत खुश हूं। मुझे ऐसे ही छोड़ दो। आज तक मेरी समझ में ये बात कभी आई नहीं कि मेरी आई हमेशा से इतनी अकेली थी। कल्याणी मुझे माफ करना। मुझे तुम पे सच में हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। नहीं आई मारो मुझे और मारो आई। ये आई के हाथ की मार सबके नसीब में कहाँ होती है। आई मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा तुमने मुझ पे हाथ उठाया। गलती तो मेरी ही थी। तुम्हारे ना जाते हुए भी मैं बता नहीं तुम्हें हल्दी कुमकुम की नजर में क्यों लाना चाहती थी। न जाने क्या साबित करना चाहती थी मैं दुनिया को। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि ये रस्म रिवाज जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। मुझे अकेला छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? इस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम कह रही हो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आई तुम्हारे अंदर जितना गुस्सा है उसे बाहर निकालो। बाहर निकालो। मारो मुझे। ये लो मारो मुझे। आई मारो। कल्याणी मेरी बात मानो। भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से। नहीं मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम अपने अंदर का सारा गुस्सा बाहर नहीं निकाल देती। कल्याणी क्यों जिद कर रही हो? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। आई गुस्सा देखना चाहती हो मेरा? गुस्सा देखना चाहती हो? देख पाओगी तो रुको। देखो इसे, देखो इस तस्वीर को। पता है जब इस तस्वीर को देखती हूँ तो क्या महसूस होता है? 18 साल पुराने जख्म फिर ताजा हो जाते। ऐसे लगता है जैसे ये दोनों मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अनगिनत टुकड़े होते हैं दिल के। बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द होता है कल्याणी। जानना चाहती हो कितना दर्द होता है? उतना दर्द जितना शायद तब होगा जब ये हथौड़ा मैं अपने सीने पे मारूंगी। खुद को दर्द देने
करने से क्या होगा? ये कौन सा सलूशन है? तू कितना दर्द दो? बाकी सारी दुनिया तो खुश रहने की आदी है ना, भगवान ने तो सिर्फ मुझे दर्द सहने के लिए बनाया है। दर्द तो इन्हें मिलना चाहिए था, इन्होंने मुझे दर्द दिया है, मेरी खुशी छीन ली है मुझसे, सिर्फ अकेलापन और सिर्फ तकलीफ दी है। असली दर्द तो इन्हें मिलना चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए। गुस्सा देखना था ना, लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, नफरत का ज्वालामुखी है। और मैं नहीं चाहती कि इस ज्वालामुखी की चिंगारी तुम तक पहुंचे। मुझे पता है कल्याणी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन ये मेरा अकेलापन दूर करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो तुम अब जाओ यहाँ से। ये मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। चली जाओ। मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी आपको। चली जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। चली जाओ। कल्याणी जाओ। ये वाला जानबूझ के था। वो मुझे एक बार आईने बताया था कि अगर एक बार सर टकराए ना तो दूसरी बार भी टकराना होता है, नहीं तो झगड़े हो जाते हैं। रुको, मैं उठाता हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। तो फिर ये बरसात का पानी टपक रहा है? नहीं, वो एक्चुअली ना मेरी आंख में कुछ चला गया था, तो बस उस वजह से। अच्छा, थैंक यू। बेवकूफ दिखता हूँ मैं तुम्हें कल्याणी? क्या हुआ है? मलाजी, आपको पता है आज क्या हुआ? बताओ क्या हुआ है। आज आई क्या हुआ अगर इनके पति ने इनको छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए?
इस घर में इनकी औकात एक नौकरानी जितनी है। माई एक अभागन है, अभागन। मेरी वजह से माई की आंखों में आंसू आए, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कल्याणी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरे पापा और माधुरी की है। तुम्हें पता है कल्याणी, जब संपदा मुझे छोड़ के गई थी तो मेरे पास जीने के सिर्फ दो ही कारण थे, एक मोक्ष और एक मैं। तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में नफरत थी वो आज माई ने आंसू बहाए, तुम्हारे ऊपर अपने गुस्से का इजहार किया। माई ने कभी भी आज तक ऐसा नहीं किया, तो फिर आज क्यों? जानती हो कल्याणी, क्योंकि माई तुम्हें अपना समझती है। तुम्हें पता है जब दिल में बहुत गुस्सा दबा होता है ना, तो उसे कम करने के लिए किसी अपने की जरूरत होती है, जैसे कि मेरे पास तुम। रोना बंद करो, आप दोनों मां बेटी की रुमाल से कोई दुश्मनी है क्या? वहां वो अपने बाजुओं से आंसू पोंछ रही है और यहां आप अपने साड़ी के पल्लू से। आपको पता है माई, मुझे कई बार कल्याणी के वचनों में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी एक बात मेरे मन को छू जाती है, वो ये कि वो आपसे निस्वार्थ मन से प्यार करती है। आपकी आंखों में आंसू से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कमीनी कल्याणी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हल्दी कुमकुम की रस्म में मेरा इतना इंसल्ट हो गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अथर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये संपू, तुम नीचे बैठ के क्या बड़बड़ कर रही हो? मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मुझे आदत है ऐसे बैठने की। हाँ तो आदत बदलो ना संपू,
इतना अमीर होने के बाद भी ये छोटी आदतें तुम बदलती नहीं हो, और आदतें तो ठीक है, सोच बड़ी करो संपू, सोच। वैसे भी आज के कार्यक्रम के बाद तो तुम्हें खुश होना चाहिए, माई की इतने लोगों के सामने बेइज्जती हुई, कल्याणी राणे को मुंह पे थप्पड़ पड़ा, माई क्यों नहीं था वहां पे? तुम्हें पता नहीं मुझ पर क्या बीती है, तुम तो। अरे आ जाओ। ए संपू, इन्हें तुमने बुलाया क्या? कमरा तो साफ ही लग रहा। अरे आओ साहेब, मजाक कर रहा था। चेहरा देखो कैसा हो गया। वो अलमारी में हमने 5,000 रुपए रखे थे, वो लेने आए थे। तो हाँ ले लीजिए, वैसे भी हम गरीबों के पैसे नहीं चुराते, ले लीजिए। एक मिनट आओ साहब। संपू जरा गिनना। नहीं आओ साहब, लाड प्यार में बड़ा हाथ तो नहीं मार के जा रहे। अथर, इसमें तो 5,500 है। हाँ तो? अरे आओ साहब, बैड मैनर्स, आपने तो बोला था 5,000। तो तुम कहना क्या चाहते हो, हमने 500 रुपए चुराए हैं? अब हाँ, अब रख लो सारे के सारे, बन जाओ और अमीर। एक बात याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम देखना, हमारा साड़ियों का कारोबार फिर से अच्छा चलने लगेगा, हमारे पास पैसा आएगा, रुतबा बढ़ेगा और शान भी बढ़ेगी, जिसकी हमें आदत है। अनुप्रिया कॉलेज के मेले में साड़ियों की प्रदर्शनी लगाने जा रही है, देखना तुम लक्ष्मी अब हमारे दरवाजे पर कैसे दस्तक देती है। ओहो, साड़ियों का प्रदर्शन, हाथ से कॉलेज में दुकान लगाने की तैयारियां करनी थी, कल्याणी के बिना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन कल्याणी तो मुझसे बहुत नाराज होगी। पता नहीं आप भाई कितने दिनों तक मुझसे गुस्सा रहने वाली है। ये क्या है? ये क्या कर रही हो कल्याणी? आई देखो, ये जो चावल की गोनी है ना, इसमें मेरा फोटो है। इस चावल की गोनी को इतना मारो कि तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा है ना, सब निकल के बाहर आ जाए। हाय, तुम्हें बहुत बेटर फील होगा, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, और मुझ पे जितना गुस्सा आ रहा है ना, वो भी निकाल दो। वैसे तुम चाहो तो ये गुस्सा मुझे मार के भी निकाल सकती हो, बस बस चेहरे पे नहीं मारना, मल्हार जी को पता चल जाएगा ना। कैसी बातें कर रही हो कल्याणी, एक बार गलती से क्या तुम पे हाथ उड़ गया? तुम तो मुझे जल्लाद समझने लगी हो। नहीं आई, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नाराज होगी, मैं खुद तुमसे माफी मांगने आने वाली थी। नहीं आई, तुम्हारा गुस्सा जायज है, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। नहीं कल्याणी, मैं कह रही हूँ ना, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। अरे इतना आगे क्यों करती हो यार तुम, मैं कह रही हूँ ना, गलती मेरी है तो सॉरी मैं बोलूंगी।
तुम फिर से बहस करने लगी? बड़ी मैं हूँ ना, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, कह रही हूँ ना मैं। अब ठीक है, समझौते पे आते हैं, कोई सॉरी नहीं बोलेगा। सिर्फ एक हक दे दो मुझे प्लीज।